अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कल्स एजुटेनमेंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे DBMS क्या है और इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट आर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड असेस डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स का ऐसा मजमू है जो डाटा को क्रिएट, मेंटेन और असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। DBMS इज़ नॉर्मली यूज बाई डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपने मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ करती हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। फीचर ऑफ DBMS क्या है। डाटा डिक्शनरी है हमारे पास, यूटिलिटीज़ है, क्यूरी लैंग्वेज है, रिपोर्ट जनरेटर है, असेस सिक्योरिटी है और एंड पे हमारे पास आता है बैकअप एंड रिकवरी। हम इन सब को वन बाय वन देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा डिक्शनरी हमारे पास क्या है। डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल डैट स्टोर्स ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर अ डेटाबेस। डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो डाटा डिक्शनरी एक ऐसी फाइल है जो डाटा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, उसकी डेफिनेशन या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो डाटा डिक्शनरी में सेव होती है। इट मे आल्सो मोनिटर द डाटा डैट इज़ इंटर। जो डाटा हम डेटाबेस में इंटर करते हैं ये उसको मोनिटर भी करती है। इट इंश्योर डैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। इसमें कुछ डाटा इंटर करने के रूल्स होते हैं, वो रूल्स जो हैं वो फील्ड नेम्स के होते हैं, फील्ड साइज़ होता है हमारे पास और डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा रिपोजिटरी। हम इसको डाटा रिपोजिटरी भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास डाटा डिक्शनरी। इसके बाद हमारे पास आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ हम प्रोग्राम्स को कहते हैं। ये एक शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटीज़ भी वही सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करते हैं और फाइल्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम डेट आर यूज टू मेंटेन डेटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा एंड रिकॉर्ड्स फाइल्स। सम यूटिलिटीज़ आर यूज फॉर बैकअप एंड रिकवरी। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो डाटा को बैकअप लेने के लिए यूज़ होते हैं और रिकवर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये था हमारे पास यूटिलिटीज़। इसके बाद हमारे पास आता है क्यूरी लैंग्वेज। ए क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस में मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है क्यूरी लैंग्वेज। जो पॉपुलर है वो क्यूरी लैंग्वेज वो SQL है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसकी कुछ कमांड्स हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की, वो है सेलेक्ट है, डिलीट है, हमारे पास क्रिएट है, मॉडिफाई है, अपडेट है और इंसर्ट है। ये था हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट जनरेटर। ए रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम डैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेटर जो है वो हमारे पास ऐसा प्रोग्राम जो प्रोड्यूस रिपोर्ट को प्रोवाइड हमारे पास प्रोड्यूस करता है। इट रिट्राइव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस। या डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करता है और डिस्प्ले करता है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डाटा को। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेट टू फॉर्मेट पे। एक हमारे पास यूज़र जो हमारे पास है वो रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है उसके फॉर्मेट पेज नंबर से, डेट से, फाइल टाइटल से और कॉलम हेडिंग से। रिपोर्ट जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर। हम इसको रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है असेस सिक्योरिटी। असेस सिक्योरिटी क्या है हमारे पास। असेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज असेस। असेस सिक्योरिटी का मतलब यह है कि ये हमारे डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो है वो हमारे डाटा को असेस ना कर सके। दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। है मुख्तलिफ प्रोसीजर जो हमारे प्रोवाइड करती है वो ताकि डाटा सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन इसको असेस ना कर सके। दी सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग असेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़र ऑफ पासवर्ड। ये हम इसको पासवर्ड लगाकर भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई तरीके हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो अनऑथोराइज पर्सन से महफूज रह सके। इसके बाद हमारे पास आता है बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। ये हमारे पास एक एडिशनल कॉपी भी प्रोवाइड करती है। द डाटा कैन बी रिकॉर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इट इट्स ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। अगर हमारे पास कोई फाइल्स है जो है वो डैमेज हो गई है, लॉस्ट हो गई है हमारे पास, तो हम उसका फाइल्स का बैकअप भी ले सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें
बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। हमने सबको वन बाय वन डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।